8 जनवरी को बिहार आईटी नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसके अनुसार राज्य के युवा को एक बड़े स्तर पर रोजगार देने की बात कही गई थी। इस नीति के तहत आज बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं आईटी सेक्टर की देश की अग्रणी कंपनी नैसकॉम के बीच एक समझौता किया गया है। बिहार में आईटी सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए समझौता किया गया है। विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया है कि इस समझौते से बिहार आईटी हब बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा और बिहार के युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार मिलेगा। हमारे लिए सुविधाजनक होगा और दूसरे क्षेत्रों में जैसा कि प्रचार प्रसार करेंगे, जो अभी इंडस्ट्रियल हब हो चुका है, जो आईटी के क्षेत्र में हब हो चुका है, जैसे कि चेन्नई है, बेंगलुरु है और हैदराबाद है जहाँ से आए हैं, तो वहाँ पर भी हमारे बारे में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लोग रहते हैं वहाँ पर जाके हमारे बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे पदाधिकारी भी जाकर वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, इनके सहयोग से करेंगे, तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे और बिहार को फायदा होने वाला है। बिहार एक फेरल फील्ड है, अभी एक तरह से वर्जिन हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट चाहते हैं, हमारे लिए सुविधाजनक हो।